हमको आजादी मिले 75 साल गुजर गए, सरकारें कई बने, नेता कई आए, आमदार खासदार मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कई बने, उनको हम ही लोग बनाते गए। एक बात पे विचार कीजिए, भाषण तो बड़े लंबे लंबे आते हैं, कई बातें सुनने को आते हैं। सिंपल बात है, सिंपल बात, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं जो बात आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, कोई रॉकेट वाला मामला नहीं है, बड़ा साइंस कुछ भी नहीं है इसमें, मामूली बात है। 75 साल के आजादी के बाद इतने मुख्यमंत्री, इतने पार्टियां, इतने सरकारें, इतने प्रधानमंत्री बनने के बाद आज देश में ना पीने को पानी मिलता है, ना सिंचाई को पानी मिलता है, ना बिजली मिलता है। ये क्या दिया नहीं जा सकता? ये है उसकी, इन चीजों की उपलब्धि नहीं है, चक्कर क्या है? इस चीज को समझना है। हम समझ के भी ना समझ नहीं रहना चाहिए, एक बार समझ में आया तो एकजुट होना चाहिए। मेरा इतना ही बात है। आज के समय बड़ा दुख होता है, महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं। क्या कारण है, क्या बात है, दया करके सोचिए। आत्महत्या कोई भी इंसान कब करता है? सारे ही रास्ते बंद होने के बाद मजबूरी हालत में बड़ी आक्रोशित परिस्थिति में कितना उनका आत्मा घोषण करता होगा, कितना दुख होता होगा। अपने प्रिय जनों को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को छोड़ के किसी किसान आत्महत्या कर रहा है, क्यों करता है? देश को अन्नदान देने वाला अन्नदाता दिन रात लगातार काम करके अपने खून पसीना बहा के देश को जीवन दान देने वाला अन्नदाता क्यों आत्महत्या करने पे मजबूर है इस देश में? क्या चक्कर है इसके पीछे? ये सोचने की बात है। अब इससे बुरा या और क्या हो सकता है? एक तरफ हमारे किसान मर रहे, रंग बिरंगी झंडे, भाषण देखो माइक पड़ जाता है, घंटों पर भाषण, असेंबली में भाषण, पार्लियामेंट में भाषण, लेकिन किसानों के जो प्रेत दान के जगह जो प्रेत उग रहे हैं किसानों के खेत में, इसमें रुकावट नहीं आ रही है। इसीलिए टीआरएस का सबसे पहला नारा हिंदुस्तान में पहली बार किसी पार्टी ने कहा है, वो बीआरएस पार्टी है, अब की बार किसान सरकार, अब की बार, मुझे सुनने नहीं दे रहे, अब की बार। माननीय मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री बने, उनका एक बड़ा गंभीर स्कीम था मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया जोक इन इंडिया बन गए क्या? किधर गया भाई मेक इन इंडिया? मेक इन इंडिया काम करता तो हर शहर में, भारत के हर छोटे छोटे शहर में चाइना बाजार लगता है। पतंगों का मांजा चाइना से आता है। दीपावली के पटाखे, होली के रंग, दीपावली के दिए, आखिर हम पूजने वाले गणेश मूर्तियां, हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, ये सारे चीज चाइना से आते हैं भाई। घरे घर, गांव गांव, गली गली चाइना बाजार लग रहा है तो कहां गया मेक इन इंडिया? चाइना बाजार क्यों लगता, भारत बाजार लगना चाहिए ना। बस ये बात सच है। नांदेड़ में कितना चाइना बाजार है गिन लीजिए, आप परमनी में जाओ, अकोला में जाओ, कहीं भी जाओ, सारे ही देश में दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्वायर, पानी का रिजर्वायर है, हमसे बहुत छोटा देश में जिम्बाब्वे देश में है। उसका स्टोरेज कैपेसिटी, उसकी क्षमता है 6,500 टीएमसी, 6,533 टीएमसी, सबसे दुनिया का बड़ा ये रिजर्वायर है। इसी प्रकार के हमारे चंद्रपुर में है, बलारसा में है, उमरेड में है, हमारे गुग्गुस कालरीज में है, महाराष्ट्र के धरती में ही है, महाराष्ट्र में गोदावरी भी है, महाराष्ट्र में कोयला भी है, लेकिन यहाँ पानी नहीं मिलता और बिजली नहीं मिलता, ये क्या चक्कर है भाई? जरूर इसमें काल में दाल में कुछ काला है। ये बात अगर आप सही समझ जाओ, इसमें कोई संस्कृत नहीं है, कोई अंग्रेजी नहीं है, कोई जर्मनी जापानी भाषा नहीं है, कौन सा बड़ा समझने की बात है इसमें? बस हम झंडा देखते ही पागल हो जाते हैं। हमारा नेता क्या दिया तुम्हारा नेता, हमारा पार्टी क्या दिया, क्या बनते जब ज्यादा से ज्यादा सरपंच बनते होंगे, जिला परिषद चेयरमैन बनते होंगे, लेकिन हमारे किसानों का प्रेत उठ रहा है, इसमें हमको एहसास नहीं होना चाहिए? हमारे घरों में पानी की किल्लत है, इसका हमारे एहसास नहीं होना चाहिए? ये राजनीतिक तमाशा जब तक चलता रहेगा तब तक हम खामोश रहेंगे, तब तक हम बटे हुए रहेंगे, जब तक हम एकत्रित नहीं होंगे। जो संपत्ति हमारे सामने है, हमारा अपना है, हमारे गांव में है, हमारे राज्य में है, इसको जाके हमको वर्ल्ड बैंक से कोई भीख मांगने की जरूरत नहीं है, कोई अमेरिका का फाइल पकड़ने का जरूरत नहीं है। हमारा संविधान है, हमारे कानून है, हम कुछ सब कुछ बना सकते हैं, हम में वो ताकत है, हम आजाद हिंदुस्तान है। सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं,
क्या कारण है, क्या बात है, दया करके सोचिए। आत्महत्या कोई भी इंसान कब करता है? सारे ही रास्ते बंद होने के बाद मजबूरी हालत में, बड़े आक्रोशित परिस्थिति में कितना उनका आत्मा घोषण करता होगा, कितना दुख होता होगा। अपने प्रिय जनों को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को छोड़ के किसी किसान आत्महत्या कर रहा है, क्यों करता है? देश को अन्नदान देने वाला अन्नदाता दिन रात लगातार काम करके अपने खून पसीना बहा के देश को जीवन दान देने वाला अन्नदाता क्यों आत्महत्या करने पे मजबूर है इस देश में? क्या चक्कर है इसके पीछे? ये सोचने की बात है। अब इससे बुरा ही और क्या हो सकता है? एक तरफ हमारे किसान मर रहे, रंग बिरंगी झंडे, भाषण देखो माइक पड़ जाता है, घंटों पर भाषण, असेंबली में भाषण, पार्लियामेंट में भाषण, लेकिन किसानों के जो प्रेत दान के जगह जो प्रेत उग रहे हैं किसानों के खेत में, इसमें रुकावट नहीं आ रही है।